हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग जो आपका पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे, है ना। उसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किया है और कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट है उसको हम देखेंगे। मैं वन बाय वन क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा और फिर मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुआ हो तो पहले आप एक बार नोटबुक को फिर से रीड करें। आप देखेंगे नोटबुक यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं उससे रिलेटेड घर जा कर के आप कॉन्सेप्ट देखो और ये आप अपने आप से सेल्फ रियलाइज करो कि आपने ये क्वेश्चंस क्यों छोड़ा, इसमें आपने ऐसा क्या पॉइंट था जिसको आपने मिस किया। तो जब आप सेल्फ इवेल्युएशन करोगे तो उससे आपको क्या मालूम चलेगा, अपना खुद का ड्रॉबैक मालूम चलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि हमने सॉल्यूशन लिख दिया, हमने पेपर डिस्कस के दिया और डायरेक्ट हमने नोट आप नोटबुक में लिख लो, नहीं ऐसा नहीं। जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये आप सोचोगे क्या मैंने ऐसा सोचा था, क्या ऐसा क्यों नहीं सोचा था, हमने कौन से पॉइंट मिस किए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान अभी से ही आप ध्यान दोगे तो धीरे धीरे आपका जो स्कोर होगा वो क्या होगा, काफ़ी अच्छा होने लगेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो बिल्डअप होगा। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि तीन वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर क्या है ए एंड बी, और तीसरा वेक्टर क्या है ए एंड बी क्या है सेम प्लेन में लाई कर है, और तीसरा वेक्टर जो है उसके प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है। यही देखो यहाँ मैंने ए और बी, देखो हम लॉग ट्रायंगल एडिशन से क्या किए हैं मैंने यहाँ दिखाया है। अब आप सोचो तीसरा वेक्टर यहाँ सी है, ए और बी क्या है सेम प्लेन में लाई कर है, और तीसरा वेक्टर क्या है इनके प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है। तीसरा वेक्टर देखो मैंने ऐसे दिखाया लेकिन ऐसे होगा, तो क्या इनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है क्या। देखो तो सी वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर के टेल से कनेक्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए रिजल्टेंट इसका कभी जीरो नहीं हो सकता। इसलिए मैंने लिखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या होगा जीरो। ऐसे आप याद भी रखना कि क्या होगा यदि तीन वेक्टर्स हों और वो कोप्लेनर हो सेम प्लेन में लाई करें तो उनका रिजल्टेंट क्या है पॉसिबल, रिजल्टेंट जो है उनका क्या है पॉसिबल, रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन थ्री वेक्टर्स दिए हुए हों और नॉन कोप्लेनर हो, आइदर तीनों डिफरेंट प्लेन में लाई कर रहे हों और उसमें से दो वेक्टर भी सेम प्लेन में लाई करेगा और एक दूसरे प्लेन में लाई करेगा तो उनका रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहले का जो आंसर होगा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए जो होगा वो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक फोर्स दिया हुआ है और उसका एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। इसको भी मैंने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि कोई वेक्टर दिया हुआ है उसका एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन, वाई एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन, जेड एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। और मैंने बताया था कि कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए, कॉस गेमा इक्वल टू ए जेड अपॉन क्या होगा जेड, एंड ये भी एक रिजल्ट बताया था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गेमा इक्वल टू कितना होता है वन होता है। तो उसी से रिजल्ट बेस्ड है। तो देखो यदि मैंने मान लिया कि f इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद वेक्टर a, सॉरी विद x एक्सिस, क्या है विद x एक्सिस, तो x एक्सिस हुआ और y एक्सिस और z एक्सिस, देन cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा fx अपॉन क्या होगा f मैग्नीट्यूड ऑफ f। अब fx आप देखेंगे तो fx का मतलब क्या हुआ i का कोएफिशिएंट, तो i का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, और फोर्स का जब मैग्नीट्यूड लिखोगे मैग्नीट्यूड लिखोगे तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा देखो तो क्या होगा fx स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा एफ जेड स्क्वायर। इसको सॉल्व करके तो कितना आएगा √29 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा डी जो होगा वो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड जो दिया टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, क्या दिया हुआ है कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कि दो वेक्टर दिया हुआ है ना, उनका क्या है टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए ऑन एडिंग गिव ए रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए। अब देखो क्या होगा, दो वेक्टर दिया हुआ है तो दो वेक्टर का पहले हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। और एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देखो मैग्नीट्यूड ऑफ
आर इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये दिया हुआ है ना। अब आपको क्या करना है, इसको यूज करके आपको क्या करना है, देखो यदि थीटा मालूम चल जाए तो हम आसानी से मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है, ए रखो ए स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस क्या होगा थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस वन बाई टू इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा। आई मीन यहाँ से सॉल्व करोगे तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड मुझे, आई मीन दो वेक्टर मैंने मान लिया कि ए एंड बी है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू देखो, तो यहाँ वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर इंटू माइनस वन बाई टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा रूट थ्री, ये क्या होगा आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्या है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सभी आप ध्यान से नोटबुक पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो फोर्स अप्लाइड ऑन मास रिप्रेजेंट एंड एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, ये दिया। अब देखो क्या होगा, ये कोई ब्लॉक है जिसमें फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, कितना कोई फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है, देखो एफ फोर्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप प्लस टेन की कैप। तो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ एफ लिखो तो कितना हो जाएगा, देखो तो 36 प्लस 64 प्लस 100, आई मीन कितना हो जाएगा, आई मीन 200, तो रूट टेन रूट कितना हो जाएगा, टेन रूट टू, ये कितना हुआ न्यूटन। अब हम जानते हैं न्यूटन लॉ के अनुसार कि एफ इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू क्या होगा, ए होगा। तो ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ अपॉन क्या लिख सकते हैं, एम सॉरी हाँ ए एम निकालना है ना अपने को, एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एफ अपॉन ए। एफ कितना दिया हुआ है, देखो 20 रूट टू डिवाइडेड बाई एक्सेलेरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन कितना दिया हुआ है 5, तो कितना हो जाएगा 2 रूट 2 के जी आंसर आएगा, कितना होगा 2 रूट 2 के जी आंसर होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ 4, ठीक है, तो 4 का आंसर क्या होगा, 4 का आंसर ए होगा। अब फिफ्थ नंबर देखो क्या है, फिफ्थ नंबर में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब आप देखो ध्यान से, दो फोर्सेस दिए हुए हैं, दो फोर्सेस जो राइट एंगल पे हैं, राइट एंगल पे क्या है मतलब उनके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है एफ बाई टू, और ये भी क्या है एफ बाई टू, ये मैग्नीट्यूड दिया है। मान लो कि एफ वन फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और ये एफ टू फोर्स है, इनका मैग्नीट्यूड। मैंने बताया था कि दो वेक्टर दिए हुए हों और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो रिजल्टेंट जो होगा उनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, यदि मैं लिखूं इधर एफ आर, ठीक है। अब देखो यही क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि इसको क्या करना है, अब देखो इसका और इसका रिजल्टेंट किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और इस फोर्स को न्यूट्रलाइज करना है, तो आपको एक फोर्स इधर लगाना पड़ेगा जो एफ नट होगा, तभी तो ये पॉइंट क्या होगा रुका रहेगा। देखो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है एफ आर, एफ आर इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री है, तो इसलिए एफ वन, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो
एफ स्क्वायर बाई फोर प्लस एफ स्क्वायर बाई फोर, आई मीन कितना हो जाएगा, एफ अपॉन क्या हुआ, रूट टू मान लीजिए। यदि एफ बाई रूट टू न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में एफ आर के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे जितना फोर्स इधर लग रहा है इनका इनका रिजल्टेंट इधर लग रहा है, उतना ही फोर्स यदि हम इधर लगा दें तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए टू न्यूट्रलाइज द रिजल्टेंट ऑफ एफ बाई टू एंड एफ बाई टू वी विल हैव टू अप्लाई एफ बाई रूट टू फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फाइव का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सिक्स नंबर क्वेश्चन पे। सिक्स नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि क्या है, ये वेक्टर ये दिया हुआ है जिसमें वेक्टर बी, व्हेन वेक्टर बी इज एडेड टू ए वी गेट ए यूनिट वेक्टर अलोंग क्या है, एक्स एक्सिस। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यही दिया हुआ है ना। तो आपको क्या निकालना है, वेक्टर बी निकालना है। तो वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस माइनस वेक्टर। जब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा, सिक्स का जो आंसर होगा, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सिक्स का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर देना तो माइनस आई कैप कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप माइनस, ठीक है ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस क्या होगा, सिक्स के कैप आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेवन नंबर जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन सबसे पहले जरूरी क्या होता है, रीड करना। क्वेश्चन मैंने कितने टाइम्स बताया भी है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को अगेन एंड अगेन अगेन रीड करो जब तक कि आपको क्वेश्चंस प्रॉपर वे से समझ में नहीं आ जाए। आंसर के पीछे मत दौड़ो, क्वेश्चन समझो, आंसर तो ऑटोमेटिक आएगा। जब आपको कॉन्सेप्ट आता है तो कैलकुलेशन करोगे तो आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, आएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगे। ये नहीं है कि जैसे ही मैंने पढ़ा, पहले क्वेश्चंस पढ़ो और क्वेश्चंस को फ्रेम करो। फ्रेमिंग करने आपको आना चाहिए कि क्वेश्चंस को हम समझें और उसके अकॉर्डिंगली कुछ जो इन्फॉर्मेशन दिया है पहले उसको नोट डाउन करें और फिर इंफॉर्मेशन जैसे ही अपने को मालूम चला तो फिर हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है जो उसको यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेवन नंबर में क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर क्या है, सेवन। ये दिया हुआ है कि ए बी सी क्या, अब देखो क्या दिया हुआ है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू क्या होगा, वेक्टर बी। अरे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यदि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, तो हम बोल सकते हैं कि बोथ वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। एक इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कि ए डॉट सी क्या है, जीरो है। तो हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि वेक्टर ए क्या हो सकता है, वेक्टर ए नॉर्मल टू क्या होगा, वेक्टर सी। ठीक है, तभी तो क्या होगा, सॉरी, ये वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू क्या होगा, वेक्टर सी होगा। अब आपको बताना है कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू क्या होगा, देखो तो क्या होगा, वेक्टर ए इज पैरेलल टू क्या होगा। अब देखो तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए में क्या दिया हुआ है, पैरेलल टू बी, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि यहां दिया हुआ है कि ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल टू वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी पॉसिबल नहीं है, वेक्टर सी भी पॉसिबल नहीं है। तो बी एंड सी तो ऐसे ही चला गया और बी डॉट सी स्केलर मिलता है तो भी सही नहीं। देखो ए ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ए एंड बी परपेंडिकुलर है। बी ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ए एंड सी क्या है, परपेंडिकुलर है। सी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता है, देखो ऑप्शन से हम जाएंगे तो आपको आसानी से मालूम चल जाएगा, क्योंकि सी जो है क्या है, ए डॉट बी आई मीन बी डॉट सी जब कैलकुलेट करोगे, बी डॉट सी कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा, इसमें डायरेक्शन ही नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि क्या है कि वेक्टर ए है वो क्या होगा, बी एंड सी के क्या होगा,
परपेंडिकुलर। हाँ क्या है, ये जरूर हो सकता है कि वेक्टर ए जो होगा वो क्या होगा, बी क्रॉस सी के क्या हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, आज के क्लास में मैंने पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि क्या होगा। हम बोल सकते हैं कि यदि ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी जो होगा वो सॉरी ए जो होगा वो बी क्रॉस सी के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ये बोल सकते हैं कि B क्रॉस C के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो परपेंडिकुलर क्या है, A क्या है, B पे भी परपेंडिकुलर है और C पे भी परपेंडिकुलर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वेक्टर यदि मैं कंसीडर कर लूँ वेक्टर B और ये वेक्टर C, है ना, ये वेक्टर B और ये वेक्टर C, तो इनका जो B क्रॉस C जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू क्या होगा, वेक्टर B एंड वेक्टर B, आई मीन बोल सकते हैं कि पैरेलल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर A। ये आज आप क्रॉस प्रोडक्ट जब देखोगे, लेक्चर देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कल क्रॉस पैक ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो वो लेक्चर्स हम लोग अब मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो उससे भी रिलेटेड 3, 4, 5 क्वेश्चंस होंगे, तो आप इसको ध्यान में रखना कि यदि आप कल देखे होते थे सारे क्वेश्चंस आज सॉल्व हो जाता, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इसकी वजह से हम लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए, ठीक है। तो सेवेंथ का ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। इसके बाद हम आते हैं एट नंबर पे, एट नंबर भी वही क्वेश्चन है। देखो एट भी क्या है, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे कि बी क्रॉस देखो क्या होगा, यही क्या होगा ए और यही क्या होगा बी वेक्टर, ठीक है। इनके बीच एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। अब आपको ध्यान देना है कि मैं बता देता हूं कि ए क्रॉस बी और क्या होगा बी क्रॉस ए विल बी क्या होगा, विल बी नॉर्मल टू वेक्टर ए और क्या होगा वेक्टर बी। आई मीन ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा वो ए एंड बी के प्लेन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, या वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आप देखो क्या होगा, देखो तो बी क्रॉस ए डॉट क्या होगा ए, अब देखो ये क्या होगा बी क्रॉस ए, देखो तो हम यहाँ क्या होगा बी क्रॉस ए नॉर्मल टू क्या होगा वेक्टर ए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, तो इसलिए इसमें ऑप्शन क्या होगा, एट नंबर का ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर एट जो है उसका आंसर क्या होगा, आई थिंक डी होगा, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब ये दिया हुआ है कि नाइन नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो नाइन है क्या दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है ए बी साइन थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर ए, इसका फॉर्मूला आज के लेक्चर में मैंने बताया है। तो ये कितना दिया हुआ है कि स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है, अब ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा होगा। अब क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी क्या दिया हुआ है, नाइन्थ, हाँ रूट थ्री टाइम, आई मीन दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज रूट थ्री टाइम क्या है ए डॉट बी, यही दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों वेक्टर के बीच क्या है एंगल कितना होगा, यही वेक्टर बी है और ये वेक्टर क्या है ए दिया हुआ, इनके बीच एंगल कितना दिया हुआ है थीटा। अब कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूला लिख देना है ए बी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा रूट थ्री ए बी कॉस थीटा, ए कैंसिल हो गया, टैन थीटा इक्वल टू रूट थ्री, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री होगा।
आई मीन 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ, पाई बाई थ्री, कितना होगा पाई बाई थ्री। तो नाइन्थ का जो ऑप्शन होगा, नाइन्थ का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी। ठीक है, अब देखो क्या है, टेंथ नंबर क्वेश्चन देखो। इफ ए पार्टिकल इज एड्रेस्ड विथ थ्री वेलोसिटीज ऑफ इतना इतना, देन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द टू स्मॉलर वेलोसिटी इज। अब देखो यहां कितना, ए क्वेश्चन देखो, तीन वेलोसिटी दिया हुआ है, क्या है, अब मान लें उनका पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है, ए पार्टिकल इज एड्रेस्ड विथ थ्री वेलोसिटीज। इसका मतलब क्या है कि तीनों वेलोसिटी का सम क्या होगा, जीरो होगा, तभी रेस्ट में रहेगा ना। तो ये दिया हुआ है कि v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल टू जीरो, तभी तो रेस्ट में रहेगा ना। अरे तीनों वेलोसिटी का सम जीरो हो जाए तो रेस्ट में रहेगा। अब दिया हुआ है, अब देखो दो स्मॉलर के बीच एंगल फाइंड आउट करना है, तो जिनके बीच, ये भी नोटबुक में इस टाइप का प्रॉब्लम बताया था मैं, जिनके बीच एंगल फाइंड आउट करना रहता है उसको एक तरफ रखो और तीसरे वेक्टर को इक्वल के दूसरे साइड ले जाओ। अब हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे, मॉड ले लिया, मॉड का फॉर्मूला लिख यूज करो मैग्नीट्यूड वाला, तो क्या लिखोगे, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस टू वी वन वी टू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वी थ्री स्क्वायर करो, तो वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस टू वी वन वी टू कॉस थीटा इक्वल टू वी थ्री स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो कॉस थीटा, इसको सॉल्व कर लेना, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, v3 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2v1 v2। ठीक है, इसको खुद से आप सिंप्लीफाई कर लेना। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ v1 v2 का वैल्यू क्या रखना, v1 इक्वल टू 14 यूनिट, v2 इक्वल टू 16 यूनिट और v3 इक्वल टू क्या रखना आप, 26। जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, हम देख लेते हैं, टेंथ नंबर का, टेंथ का इसका आंसर जो होगा क्या होगा, इसका आंसर बी आएगा। इसी फॉर्मूला में आप भेजो, ये भी नोटबुक में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 11th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th में क्या दिया हुआ है कि आप देखो क्या है, इसमें कोई ये नहीं, आपको क्या करना है, आपको मालूम है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, यदि क्या हो जाए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम बोल सकते हैं देन क्या होगा, वेक्टर ए विल बी परपेंडिकुलर टू क्या होगा बी। ये दिया हुआ है आपको कि चार वेक्टर दिए हुए हैं, फोर वेक्टर्स दिए हुए हैं, और आपको सेलेक्ट करना है कि फोर वेक्टर्स में से कौन सा वेक्टर एफ पे परपेंडिकुलर है। तो पहले हम आई डॉट, आई का डॉट प्रोडक्ट लें, देखो तो एफ डॉट पहले में क्या दिया, ऑप्शन ए में दिया एफ डॉट, हम आई ले लें यार, एफ डॉट सिक्स आई, देखो तो ये जीरो होगा क्या, नहीं जीरो होगा, तो फोर आई कैप माइनस थ्री जी कैप डॉट सिक्स आई कैप, ये जीरो होगा नहीं होगा, 24 यूनिट आएगा। बी में देखो क्या आ रहा है, के कैप का सेवन, आई मीन क्या होगा, एफ डॉट सेवन के कैप, तो कितना होगा एफ, आई मीन एफ का वैल्यू रखो कितना, फोर I cap माइनस थ्री जे कैप डॉट सेवन के कैप, अब 28 I डॉट के माइनस 21 जे डॉट क्या होगा K। अब I डॉट जे देखो इसका भी वैल्यू क्या होगा, जीरो, और इसका भी जीरो, ये नोटबुक में बताया गया है, इसलिए जीरो, इसलिए F पे परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, सेवन के होगा, आई मीन आंसर क्या हो जाएगा इसका, दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चंस रिपीट हो गया है, ये मैंने नोटबुक अभी एक्सप्लेन किया था, तो 12 क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, ये बोनस मार्क्स मिल जाएंगे आप लोगों को। उसके बाद अगेन देखो क्या है, 13 नंबर क्वेश्चंस एकदम फार्मूला बेस्ड है, जो मैंने बताया विद्या कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होता है, पावर इक्वल टू एफ डॉट क्या होता है वी, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा,
देखो क्या है, एफ डॉट बी आई मीन 20 I cap plus क्या दिया हुआ है 15 J cap minus 5 K cap dot 6 I cap minus 4 J cap plus 3 K cap. तो देखो I का आई मीन कितना हो जाएगा 24 आई मीन कितना हो जाएगा 20 इंटू 6 माइनस 60 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 15 कितना हो जाएगा माइनस 15 तो 120 माइनस 75 ठीक है जूल पर सेकेंड इसका आंसर कि आपको स्केलर प्रोडक्ट मैंने बताया था एक फॉर्मूला लिखा था कि कितना हुआ 12 का जो आंसर है वो क्या है 12 का आंसर डी दिया 12 नहीं 13 13 का आंसर कितना दिया हुआ है बी ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा बी होगा उसके बाद थर्टीन हो गया फोर्टीन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 देखो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि दो फोर्सेस दिए हुए ए एफ वन है ए एफ टू है इनके बीच एंगल थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है और इनका रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आई मीन एफ आर यदि हम लिखें तो एफ आर इक्वल टू क्या होगा एफ वन स्क्वायर प्लस ये भी फॉर्मूला बेस्ड है एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा एफ आर दिया हुआ है एफ आर भी दिया हुआ है आपको एफ आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20√3 दिया हुआ है और एक फोर्स मान लिया कि उसका वैल्यू दिया हुआ है टू फोर्सेस नहीं गलत लिख दिया टू फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 20 न्यूटन है और एक फोर्स जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 20√3 न्यूटन दिया हुआ है यही दिया हुआ है ना 20√3 न्यूटन दिया हुआ अब एफ आर का वैल्यू एफ आर स्क्वायर कर दो देखो तो एफ आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एफ वन स्क्वायर तो एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर ठीक है हाँ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस कॉस 30 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है कॉस कॉस 30 तो कितना हो जाएगा √3 बाई कितना हो जाएगा आई मीन कॉस 30 ठीक कितना दिया हुआ देखो 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 इंटू 3 प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 इंटू 20√3 इंटू एफ टू इंटू √3 बाई 2 2 से 2 कैंसिल हो गया ये देखो ये कितना हो जाएगा माइनस 800 इज इक्वल टू एफ टू स्क्वायर कितना होगा प्लस 60 एफ टू इक्वल टू 0 इसको सॉल्व कर लेना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा एफ टू स्क्वायर प्लस 60 एफ टू ठीक है प्लस 800 इक्वल टू क्या होगा 0 ठीक है तो आई थिंक यहाँ से आप देख भी सकते हो फैक्टराइज करोगे तो आ भी गए तो आसान है फैक्टराइज करोगे तो दो वैल्यू मिलेंगे आपको क्या है देखो एफ टू स्क्वायर प्लस 40 एफ टू ठीक है प्लस क्या लिखेंगे प्लस 40 एफ टू है ना ये सही है ना दोनों का रिजल्टेंट दिया हुआ है ना
इसमें कुछ उल्टा ये आ रहा है ना, क्योंकि निगेटिव मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये पता नहीं इसमें क्या कैसे सॉल्व किया है। क्वेश्चन सी 14 का देखोगे तो क्वेश्चन गलत आएगा आई थिंक, क्योंकि यदि ये उल्टा हो तो चलो देखते हैं। f2 square plus 20 f2 प्लस क्या लिखेंगे 800 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लिख सकते हैं f2 इंटू क्या लिख सकते हैं 40, क्या लिखेंगे f2 प्लस 40 प्लस क्या होगा f1 इंटू क्या हो जाएगा f2 इसमें से 20, तो f2 प्लस क्या होगा 40 इज इक्वल टू क्या होगा जीरो। तो ये कुछ क्वेश्चंस गलत आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड जो होगा वो कभी क्या होगा निगेटिव नहीं हो सकता है ना, क्या हो सकता है मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा निगेटिव नहीं हो सकता। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज 20 न्यूटन व्हेन वन ऑफ द फोर्स इज इतना न्यूटन एंड एंगल बिटवीन टू फोर्सेज इज इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्या होगा 60। ये देखो क्या होगा, यहाँ से हम ये कैलकुलेट करें तो फोर्स का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या हो रहा है निगेटिव आ रहा है। तो ये क्या होगा F2 इक्वल टू क्या होगा -20 और F4 इक्वल टू क्या होगा -40, जो कि क्या है मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। इवन दो क्या है आंसर, यदि यहाँ क्या होता यहाँ 60 न्यूटन आता क्या होगा इसी क्वेश्चन में यदि 120 हो, ठीक है क्या हो 120 हो तो एक क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। तो आप थीटा इसमें एक क्वेश्चन क्या हो थीटा क्या होगा 30 डिग्री नहीं हो सकता है, थीटा क्या हो सकता है 120 डिग्री हो, क्योंकि यदि देखो ये वाला निगेटिव हो जाए तो आंसर आ जाएगा, क्या होगा ये वाला निगेटिव हो जाए तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आप इसको सॉल्व करना ये पॉसिबल नहीं है, आप इसमें थीटा इक्वल टू क्या लिख लेना 120 डिग्री लिख लेना, ठीक है क्या लिखना थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तब क्या होगा आपका एक जो देखो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 120 है ना, और ये क्या हो जाएगा देखो इधर मैं लिख देता हूँ तो ये क्या होगा F1। तो ये क्वेश्चन क्या है रॉन्ग है, क्योंकि थीटा 30 डिग्री नहीं होगा, थीटा कितना होना चाहिए 120 डिग्री होना चाहिए तभी पॉसिबल ये हो सकता है। अदरवाइज क्या हो रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस क्या आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या आ रहा है निगेटिव हो रहा है कि वो, क्योंकि वो क्या है गलत है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए इसको आप करेक्ट कर लेना, थीटा इक्वल टू क्या होगा 120 होगा तभी क्या होगा F1 एफ इक्वल टू क्या होगा इफ यहाँ लिख देता हूँ इफ थीटा इक्वल टू 120 डिग्री देन क्या होगा F2 इक्वल टू क्या होगा 20 न्यूटन और क्या आएगा 40 न्यूटन, क्या होगा 20 न्यूटन एंड क्या आ जाएगा 40 न्यूटन। क्यों यहाँ से आप देख सकते हो जब ये निगेटिव हो जाएगा ये तो माइनस माइनस लिख सकते हैं, इसमें से कॉमन ले लो फिर माइनस माइनस क्या होगा आसानी से जाएगा। तो ये क्वेश्चंस को क्या करना करेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, ए एंड बी दो वेक्टर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 का देखो क्या होगा, वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है कितना 3i कैप प्लस 4j कैप, वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4i कैप 7i कैप प्लस क्या होगा 24j कैप। फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड इज पैरेलल टू वेक्टर ए। अब देखिए पहले क्या करना है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा देखो क्या होगा 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है ये कितना होगा 49 प्लस 4 ये कितना होगा 24 96 48 और 2 कितना होगा 48 और 9 तो 576 शायद आएगा है ना,
चौबीस चौके छियानवे, चौबीस दूना अड़तालीस, अड़तालीस दो पचास और सात क्या होगा 57, तो ये कितना होगा 5। अब इसको कितना हो जाएगा 5 तो ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है 25 यूनिट मैग्नीट्यूड आ गया है ना, कितना आया B का जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या होगा 20। अब आपको एक वेक्टर लिखना है जो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए B के मैग्नीट्यूड, तो हमने मान लिया कि वो वेक्टर क्या है P है, तो P का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए B के मैग्नीट्यूड के क्या होना चाहिए इक्वल, और डायरेक्शन किधर होना चाहिए A वेक्टर के, A वेक्टर के, तो A वेक्टर के अलोंग हम क्या करेंगे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो आसानी से आंसर आ जाएगा यार, यही हुआ ना, दिस इज द वेक्टर P whose magnitude is equal to vector B and whose direction is vector whose direction is along the vector A, ठीक है, तो यही क्या होगा P is equal to क्या होगा 25 into, अब देखो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, वेक्टर A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का वेक्टर, तो P into 25 अपॉन क्या लिखोगे 5, देखो A का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे A का मैग्नीट्यूड कितना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू 5, तो ये कितना होगा 5 into 3 i कैप प्लस क्या होगा 4 j कैप, तो ये कितना होगा 15 i कैप प्लस 20 j कैप, यही क्या मिलेगा आपको एक वेक्टर, ठीक है, तो ये क्या होगा कौन सा ऑप्शन होगा I mean 15 का आंसर जो होगा क्या होगा ए ऑप्शन होगा, तो आंसर क्या होगा, ठीक है यही आ रहा ना 15 आई का प्लस। अब देखो ये आज जो मैंने लेक्चर बताया है उसमें बताया है कि ए क्रॉस बी और क्वेश्चन नंबर जो 16 होगा उसमें A क्रॉस B एंड एंड क्या होगा इस एंटी पैरेलल टू क्या होगा B क्रॉस E, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा 16 में आंसर जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ये मैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 बता नहीं रहा हूँ, 17 का आंसर जो होगा ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू ओनली, क्या होगा ये भी 18 नंबर भी डिस्कस करने का बात नहीं है कि कोई वेक्टर है उसका कंपोनेंट उसी के अलोंग क्या होता है मैक्सिमम होता है, तो वेक्टर आर का कंपोनेंट एक्स के अलोंग मैक्सिमम कब होगा जब वेक्टर आर जो होगा वो क्या होगा एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड होगा, ठीक है, ये भी आपको बताया 19 नंबर का क्या होगा, 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्योंकि दिया है दो वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, अगेन आपको क्या करना है दो फोर्सेस हैं दिया हुआ है कितने एंगल पे लगे कि उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, देखो दिया हुआ है कि F1 फोर्स x प्लस y मान लिया, F2 फोर्स x माइनस y मान लिया, तो Fr जो होगा और Fr दिया हुआ है Fr इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर क्या दिया हुआ है 1/2, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर इक्वल टू एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, वैल्यू रख दो, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा 20 का आंसर क्या होगा ए आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आंसर आएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस,
थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो, थ्री फोर्सेस क्या हो, किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है इक्विलिब्रियम, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब रहेगा, जब सम ऑफ देयर रिजल्टेंट विल बी क्या होगा, जीरो। तो हम लिख सकते हैं क्या होगा कि इफ क्या होगा, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री विल बी जीरो, देन बॉडी विल बी इन क्या होगा, इक्विलिब्रियम, रेस्ट में रहेगा। अब यहां से क्या करना है, m का वैल्यू कैलकुलेट कर लो यार, 21 का क्या होगा, ये भी इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि मास का भी क्या होगा, अच्छा सॉरी ये मास नहीं है, ठीक है मास नहीं दिया हुआ है, सॉरी m मास नहीं है, है ना, m कोई भी कांस्टेंट है, m मास नहीं कंसीडर करना, तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, यहाँ x कंपोनेंट ये सॉल्व कर लेना, तो 21 का वैल्यू रखना f1 f2, देखो f1 लिख देता हूँ मैं, f1 इक्वल टू क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस क्या होगा 4k कैप, f2 इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 8i कैप माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप, एंड f3 इक्वल टू एम आई कैप माइनस एम जी कैप प्लस एम के कैप, ये तीनों को ऐड करना, जीरो कर देना, देखो आई का देखो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 8 प्लस एम इंटू आई कैप, ठीक है, इसको लिखोगे तो माइनस क्या लिखोगे, 10 प्लस एम इंटू क्या होगा जे कैप प्लस क्या होगा m प्लस 10 इंटू क्या होगा k कैप इक्वल टू जीरो। अब देखो i, j और k जीरो नहीं होगा, तो इसको जीरो कर दो, तो m इक्वल टू क्या होगा माइनस 10 आंसर आएगा, ठीक है। 21 हो गया, 22 में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो 22 का आप जब सम देखेंगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 ये सिंपल क्या है, 22 पावर फॉर्मूला यूज करना है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस, ठीक है, देख कितना हो जाएगा, और सॉरी देखो इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, 0 टू 1 1 माइनस एक्स के पावर 9 डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जब फॉर्मूला यूज करोगे तो देखो 1 माइनस एक्स के पावर 10 डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ हम क्या करेंगे, लिमिट लोअर लिमिट और यहाँ अपर लिमिट, अपर लिमिट का वैल्यू रखो तो 1 माइनस 1 के पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 बाय 1 माइनस 0 के पावर 10 डिवाइडेड बाय क्या होगा 10, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 बाय 10 आंसर आएगा, ठीक है, तो कितना होगा माइनस नहीं सॉरी माइनस यहाँ भी है तो माइनस और ये प्लस प्लस 1/10 कितना हो जाएगा आंसर इसका क्या होगा सी होगा। उसी तरह क्वेश्चंस 23 में क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू 5/3 कॉस 3x dx, कॉस का क्या होता है साइन x होता है, तो हम क्या लिखेंगे साइन 3x डिवाइडेड बाय 3 अगेन 0 टू क्या लिखेंगे 0 टू पाई बाई 3, तो अब वैल्यू रखो 1/3 बाहर ले लो तो क्या लिखोगे कॉस, देखो कितना हो जाएगा ये साइन पाई माइनस साइन क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बताया था, क्या बताया था log x का इंटीग्रेशन, देखो इसका डायरेक्ट मैं फार्मूला बता देता हूँ, log x क्या है 0 टू क्या है 1 टू 2 0 टू नहीं होगा dx, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा x log x माइनस क्या हो जाएगा x, ये आएगा नोटबुक देख लेना, 1 टू क्या होगा 2, 2 log 2 माइनस 2 ठीक है माइनस 1 log 1 माइनस 1
ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तुम्हारा क्या हो गया, जीरो हो गया। ये कितना हो जाएगा, टू लॉग टू माइनस टू प्लस वन। ये कितना हो जाएगा, टू लॉग टू टू माइनस वन। ठीक है, तो हाँ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, तुम लॉग पढ़े हो तो इसको लिख सकते हैं। यहाँ लॉग का मतलब क्या हुआ, लॉग ही दिया हुआ, यहाँ बेस ई मानते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग लॉग ई टू द बेस ई, इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग फोर टू द बेस ई माइनस लॉग ई टू द बेस ई। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग फोर अपॉन क्या हो जाएगा, ई, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुम्हारा सी आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24 आंसर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन और बच रहा है 25th। क्या होगा, ट्वेंटी फिफ्थ क्या होगा, आई इक्वल टू क्या हुआ, इंटीग्रेशन जीरो टू टू बाई थ्री डी एक्स अपॉन फोर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर, नहीं हाँ नाइन एक्स स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्म में भी लाओ तुम, देखो हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई नाइन इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन टू बाई थ्री द होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर जीरो टू टू बाई थ्री। अब एक फार्मूला बताया था, देखो कि डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वन बाई ए टेन इनवर्स ऑफ क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए होता है। ये रिजल्ट बताया था, यहाँ भी देखो ये क्या लिखेंगे, वन बाई नाइन इंटू टेन इनवर्स ऑफ क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन ए, तो कितना 3x अपॉन 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्या होगा, और 2 बाई क्या होगा 3, यही होगा ना, 2 बाई कितना हुआ 1 अपॉन ए, कंपेयर करो इससे, और उसके बाद हम लिमिट रख देंगे कितना 0 टू 2 बाई, ये कितना हो जाएगा 3, आई मीन कितना हो जाएगा 1 बाई 6 टेन इनवर्स ऑफ 3x बाई क्या होगा 2। तो आप लिमिट रखो 0 टू 2 बाई 3, अब वैल्यू रख दो तो 1 बाई 6 इंटू टेन इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 0, इसका वैल्यू क्या होगा 0, इसका वैल्यू क्या होगा पाई बाई 4, तो कितना आ जाएगा पाई अपॉन 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा पाई अपॉन 24। तो ये रहा आज का क्या है टेस्ट का डिस्कशन, आई थिंक आप लोगों का स्कोर अच्छा आया होगा, देखते हैं कि, लेकिन देखो क्या है, मेहनत जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ही आपका रिजल्ट जो होगा अच्छा होगा, नो डाउट, मेहनत नहीं करोगे रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं यही आपको रिक्वेस्ट भी करूँगा आपसे, और आपको सजेशन भी दूंगा कि आप मेहनत करो, है ना, चीज़ों को पढ़ो, प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं आता है तो डाउट पूछो। ऐसे लग रहा है कि पहले इनिशियली जब शुरू में ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ था तो कुछ लोग एनर्जेटिक थे, और जैसे जैसे क्या हुआ टाइम निकलता जा रहा है वैसे वैसे एनर्जी जो है क्या है धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि 12 कंप्लीट होने तक तो ऐसे लगेगा कि 12 में भी आप लोग फेल हो जाओगे, ऐसा लगता है मतलब अभी ये मतलब एनर्जी देख करके कि किसी का रिस्पॉन्स नहीं, किसी का डी पी पी 2-3-4 डी पी पी मैंने भेजा, किसी का रिस्पॉन्स नहीं, पता नहीं तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं, है ना, ऐसे पढ़ोगे तो क्या होगा जी, एडवांस क्लियर होगा, मेंस एग्जाम क्लियर होगा, या सीईटी क्लियर होगा, या बोर्ड क्लियर होगा, यू नो बेटर देन मी, है ना। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप मेहनत करो, डाउट हो तो पूछो, डाउट नहीं होना दो पॉइंट को संकेत देता है, या तो आपको सब कुछ आता है और सेकंड जो है आपको कुछ नहीं आता है। तो आई थिंक मैं तो सब कुछ आने में फर्स्ट पॉइंट से सहमत नहीं हूँ, हाँ ये हो सकता है कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। फिर देखते हैं आज के रिजल्ट के बारे में कि आज आप लोगों ने फोड़ा है या तोड़ा है, फोड़ा इन द सेंस अच्छा हुआ होगा, तोड़ा इन द सेंस क्या होगा कि बहुत ही खराब एग्जाम गया होगा। ठीक है, ओके बाय।